हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के मैथ के 2025 के एग्जाम में आ भी चुका है। और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे एक नंबर में आते रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारे बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस हमारे निश्चित उत्तरीय में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2019, 2023 और इस साल भी आपका आ चुका है 2025 में। बस हर साल यहाँ पर द्विघात समीकरण चेंज कर दे रखी होती है और हमें इस क्वेश्चन में मूली ज्ञात करने होते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब आगे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। और यहाँ पर हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं और यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण दे रखी है तो इसके मूल भी हमारे दो ही आएंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो हमारे पास दो आएंगी। अब उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी थी उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। और यहाँ पर हमें इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। और एग्जाम में आप इस तरीके के क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ वैसे ही कर आना, स्टेप वाइज करके आएंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन कहीं पर गलत भी होगा तब भी आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होने वाला है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण दे रखी थी तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी होगी उसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे और किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिख लेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 1 और गुणा में जो भी हमारा अचर पद होगा यहाँ पर उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 60। अब यहाँ पर हम देखेंगे बीच में हमें क्या संख्या दे रखी है, बीच में हमें यहाँ पर 7 दे रखा है तो यहाँ पर हम 7 की जगह पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या ही आ जाए और गुणा करने पर हमारा यहाँ पर 60 आ जाए। यानी कि जो हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की गुणा करके जो भी हमारी संख्या आई होगी वो हमारी संख्या आ जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या सोचेंगे तो हम यहाँ पर 7 की जगह रख देंगे 12 माइनस 5। अगर हम 12 में से 5 को घटाएंगे तब हमारा क्या आ जाएगा 7, और अगर हम 12 की 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बस यहाँ पर आपको इतना ही देखना होता है कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर जो हमारी एक्स स्क्वायर के गुणांक की और अचर पद वाली जो संख्या होगी उनको गुणा करने पर जो संख्या आ रही है गुणा करने पर हमारी वही संख्या आनी चाहिए जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स के अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस के 5x माइनस 60 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इन दोनों पदों में x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 12 और यहाँ पर हम इन दोनों ही पदों में माइनस के 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12, क्योंकि जब हम 60 को 5 से भाग करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। और इस बात का आप ध्यान रखना कि दोनों ही ब्रैकेट्स में
हमारी प्लस वाली संख्या ही आती है। तो दोनों में से हम यहाँ पर एक कॉमन निकाल लेंगे एक्स प्लस 12, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 5 बराबर हमारा 0 चल ही रहा है। अब यहाँ से हम एक एक कर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आप ये समझ लो कि हमारा आंसर आ ही चुका है, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था, आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो पद है तो हम एक एक कर दोनों पदों को बराबर 0 कर देंगे। पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि यदि x प्लस 12 बराबर हो 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 12। दूसरी बार में हम यहाँ पर x माइनस 5 बराबर कर देंगे 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हमें क्वेश्चन में द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके हमें मूल निकालने हैं तो हमारे पास यहाँ पर x की दो ही वैल्यू आएंगी। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस के 12 और प्लस के 5, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो हमें द्विघात समीकरण दे रखी होती है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको समझा ही दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। और अगर आप इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट को देख लेना और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से मैथ के और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।